friends, click on subscribe button of Shakia's Kitchen and press bell icon for more updates. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाकिया। आपका स्वागत है शाकिया's किचन में। आज हम बनाएंगे पूरी। पूरी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप आटा, एक कप ऑल पर्पज फ्लोर हमने लिया है यानी मैदा, आधा कप मैंने लिया है व्हीट यानी गेहूं का आटा, दो टेबलस्पून मैंने लिया है तेल, पानी हमें चाहिए आटा नीड करने के लिए, नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन मैंने लिया है हाफ टी स्पून, ये ऑप्शनल है। सबसे पहले पूरी बनाने के लिए एक बॉल में हम ऑल पर्पज फ्लोर लेंगे यानी मैदा, गेहूं का आटा भी ऐड कर लीजिए, साथ में अजवाइन, नमक और एक टेबलस्पून हम ऑयल ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे। साथ में पानी ऐड करके हम आटा गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर लीजिए और पानी ऐड कर लीजिए। अच्छे से गूंथ लीजिएगा। आटा को मैंने अच्छे से गूंथ लिया है। इसको अब हम ढक के 10-15 मिनट के लिए रख लेंगे। इसके बाद हम पूरियां बनाएंगे। आटे को मैंने 10 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया था। अब इसको अच्छे से एक बार गूंथ लीजिए। हाथ में आटा डश करके इसकी लोइयां बना लेंगे। इस साइज में लोइयां बना लीजिएगा। सबसे पहले हम सारी पूरियां बेल के रख लेंगे। इसके बाद हम पूरी को डीप फ्राई करेंगे। चलिए एक लोई ले लेंगे, उसको डस्ट कर लेंगे, बेल लीजिएगा। पूरी हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे, उसको ज़्यादा तो हम नहीं बेलेंगे। इस साइज में बेल के हम इसको रख लेंगे साइड में। इसी तरह सारी पूरी हमको बेल के रख लेंगे। थोड़ा मोटा साइज में ही रखिएगा, ज़्यादा पतला नहीं बेलना चाहिए, नहीं तो पूरी फूक के नहीं आएगी। हमने सारी पूरियाँ बेल ली थी। इसी साइड में एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड करके उसको हीट होने के लिए रखा है। आप देख सकते हैं ऑयल को हमने हीट होने के लिए रखा था। सो चेक करने के लिए थोड़ा आटा लेंगे, उसको हम तेल में डाल देंगे। अगर आटा तक पक के ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब यह होता है कि परफेक्ट टेम्परेचर है पूरी तलने के लिए। तो इसी स्टेज में हम पूरी जो हमने बेली थी उसको ऐड कर लीजिए। साइड से प्रेस कर लीजिएगा। साइड से प्रेस करने से वो फूल जाएगी। पलट दीजिए, फिर से उसको साइड से प्रेस कर लीजिए। इसी तरह कीजिए, देख सकते हैं आप पूरी फूल गई है। उसी तरह और एक पूरी पूरी को हम ऐड कर लेंगे, उसको भी हम साइड से प्रेस कर लेंगे। पलट दीजिए, साइड से प्रेस कर लीजिए, ये भी फूल गई है। तो एक मिनट के लिए इसको ऐसे रोस्ट करके डीप फ्राई करके हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इसी तरह मैंने सारी पूरियों को डीप फ्राई कर ली थी। इसको डिश आउट कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी पूरी बनी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और इसके साथ आप कोई भी साग को और चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। और साग को और चटनी की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक और टॉप राइट कॉर्नर में भी मेंशन किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग शाकिया's किचन।